हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे गाड़ी के डोर पैनल्स होते हैं, इनको हमें कैसे साफ़ करना है। जो डोर पैनल के ऊपर हमारा कपड़ा लगा होता है, ये आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये कैसे गंदा हो रखा है। एंड इवन हर साइड के ये ऐसे ही होंगे, लेकिन अगर आप इस साइड का भी देखें, ये भी इवन गंदा है। ये बाय द टाइम गंदे होते रहते हैं, सो इसमें कोई वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इनको आज सिंपली डिस्कस करेंगे कि कैसे साफ़ करना है, और एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस रहने वाला है पूरा साफ़ करने का। सो करते हैं इस वीडियो में बात। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा एक मग, जिसमें आप सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। सॉल्यूशन भी क्या है, नॉर्मल सा सोपी सॉल्यूशन ही रहने वाला है। एक हमें चाहिए होगा टूथब्रश, पानी एंड शैम्पू विद माइक्रो फाइबर क्लॉथ, या इवन आप नॉर्मल कपड़ा या नैपकिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं करने के लिए। तो मैं बताता हूँ कि ये सॉल्यूशन कैसे होता है घर पे चल के। तो ये सॉल्यूशन बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे कोई सा भी आप शैम्पू ले सकते हैं, एंड इसको ओपन करके थोड़ा सा हम पहले इसके अंदर पोर कर लेंगे। इसको थोड़ा सा पोर करके इसके अंदर हम डालेंगे पानी। कुछ मेजरमेंट के हिसाब से नहीं है, सिंपली ऐसे ही नॉर्मल मिक्स करना है आपको। एंड देन इसके बाद इसको मिक्स करना स्टार्ट कर देना है। अगर आपको लगे कि झाग कम है, तो इसके ऊपर से आप थोड़ा और शैम्पू ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अप्रॉक्स इतना ही शैम्पू यूज़ करूँगा। इसको अच्छे से मिक्स करना है हमको। आप देख सकते हैं कैसे इसमें से झाग बन चुकी है, एंड ये अब सही है यूज़ करने के लिए। इसके साथ हमें चाहिए होगा एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दो माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स मैं यूज़ करने वाला हूँ ये, जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो उसको सुखाने के लिए। तो चलते हैं हम सीधा गाड़ी में एंड करते हैं काम को शुरू। बाय चांस अगर आपके पास माइक्रोफाइबर्स नहीं है, सो तब उस केस में आप इवन नैपकिन का भी यूज़ कर सकते हैं। नैपकिन यूज़ करके ये नुकसान होगा कि आपको बहुत फ्रीक्वेंटली नैपकिन को चेंज करना पड़ेगा। आगे की तो मैंने आपको हालत दिखा दी कैसी थी डोर पैनल्स की हालत। एक बार मैं आपको पीछे के डोर पैनल्स भी दिखा देता हूँ। तो ये कुछ पीछे का डोर पैनल इतने गंदे हैं अभी, एंड राइट साइड का कुछ ऐसा है। तो इन सबको करेंगे साफ, मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है इनको साफ। तो करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो यहाँ से हमने क्या करना है, सिंपली इसको लेना है सॉल्यूशन के ऊपर में। तो ये थोड़ा मिक्स करके हमें क्या करना है, सीधा हम यहाँ पर ले जाएंगे, यहाँ पर इसको ऐसे साफ़ करना स्टार्ट कर देंगे। सर्कुलर मोशन में इसको हमें ऐसे साफ करना है। इसको ऐसे दो से तीन बारी हमें करना पड़ सकता है। जितना गंदा आपका ये होगा, उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा इसको। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे नीचे हल्की हल्की आपको डर्ट दिख रही होगी, लिक्विड फॉर्म में निकलती हुई। जैसे अभी थोड़ा सा साफ हो गया, हम लेंगे माइक्रोफाइबर क्लॉथ और इसको एक बार ऐसे वाइप ऑफ कर देंगे सारा। वाइप ऑफ करके फिर से आपको स्टार्ट करना है। अब ऐसे नीचे का पार्ट मेरे यहाँ से रह गया था, थोड़ा अच्छे से करना, तो मैं ये कर रहा हूँ पार्ट को।
सो मैंने अभी इतने पार्ट करा, आप देख सकते थे पहले कैसे ब्लैक था या अंदर पहले से बेटर हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आपके डोर पैनल में अगर कोई भी ब्लैक सा पार्ट दिख रहा है आपको, सिवन आप उसको भी कर सकते हैं, ये उस पर भी काम करेगा। जैसे आप ये देखिए यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं कैसा सा हो रखा है। इसको एक बार मैं क्लीन करता हूँ इससे। यहाँ पे भी मेनली आपके इंटीरियर में ऐसे मिट्टी चिपकी होगी, सो इस चीज़ से आप बहुत आराम से सारी की सारी मिट्टी को निकाल सकते हैं। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, सो इसको हम एक माइक्रोफाइबर टॉवल से फिर से साफ कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैसे ये साफ़ हो चुका है, पहले कैसा था एंड अब कैसा है। ये इसको मैं अच्छे से साफ कर लेता हूँ एंड देन फिर एक बार ये आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं एक हाथ से शूट कर रहा हूँ एंड एक हाथ से साफ कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है दिखाने में आपको अच्छे से। तो आप देख सकते हैं पहले कैसा था एंड अभी कैसा है, इवन थोड़ा सा और बचा हुआ है, ये मैं इसको और सही से साफ़ करके अभी कर लूँगा। सो ऐसे आपको करना है इवन सारे डोर पैनल्स के ऊपर, जितनी भी गंदगी है ऐसे हमारी सारी चली जाएगी। मैं इसका फाइनल आउटपुट भी आपको दिखा। सो जो पीछे वाले डोर पैनल्स हैं उनकी हालत अभी इतनी गंदी है नहीं, बट स्टिल जितनी भी है इतने को भी मैं साफ़ कर लूँगा अभी। सो आपको एक बार पीछे भी साफ़ करके दिखा देता हूँ मैं। एक बार यहाँ भी देख लेता, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्लीन ही है, बाकी ये वाला जो ब्लैक पोर्शन था ये भी क्लीन हो चुका है। अब आ जाते हैं थोड़े इस वाले डोर पैनल पे। मेनली इन्होंने पीछे वालों में साइड में ही मेरी गंदगी जमी हुई है, तो मैं साइड साइड से ही इनको साफ कर रहा हूँ, बस मैं पूरे इसको छेड़ नहीं रहा। इवन इसका एक और अल्टरनेटिव आता है कि मारुति का जेन्युइन एक इंटीरियर क्लीनर भी आता है, आप उससे भी साफ कर सकते हैं। उसकी भी मैं फ़ोटो एक बार आपको दिखा दूँगा कि वो कैसा दिखता है, जो मारुति का इंटीरियर क्लीनर होता है उससे भी आप ऐसे ही साफ कर सकते हैं। उसमें भी आपको ब्रश लेके हल्का सा वो करना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा, वो भी पूरी तरीके से नहीं साफ कर देता अपने आप से। अब आपको ऐसे करना की चाहिए इस सॉल्यूशन से ऐसे करके, इससे ये फ़ायदा होता है कि जितने भी केमिकल्स होते हैं ना जो ये बाहर ड्राई क्लीनर्स यूज़ करते हैं, तो उनसे तो सबसे पहले आपकी गाड़ी बची रहेगी उन केमिकल से, क्योंकि वो केमिकल आज तो नहीं हार्म कर रहे शायद आपको, बट गाड़ी को कल या थोड़े टाइम में हार्म कर सकते हैं। तो ये डोर भी इवन हमारा क्लीन है, सो इसको भी हम नहीं छेड़ेंगे, ये ऑलमोस्ट क्लीन हो ही चुका है। एंड इस साइड का भी हमारा डन है, थोड़ा सा जो ऊपर है ऊपर ऊपर का भी मैं अभी कर देता हूँ साफ। एंड अब चलते हैं आगे की तरफ लेफ्ट सीट पे। सो राइट सीट थोड़ी थोड़ी सीखना शुरू हो चुकी है आप देख सकते हैं, बाकी मैं इसका रिस्पॉन्स शेयर कर दूँगा आपसे अभी। अब करते हैं एक बार इसको भी साफ। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो सारी डर्ट जो है इस झाग में आपको दिख सकते हैं। फिर मैं इसको अपने स्पीकर पैनल में भी डालूंगा हल्का हल्का, क्योंकि इसके ऊपर भी एक KFC का क्रशर गिर गया था, जिसके बाद से ये ऐसा सा हो गया है बड़ा अजीब सा। मैं मेनली इसको साइड साइड में ही लगा रहा हूँ, यहाँ पे स्पीकर की ग्रिल नहीं है,
क्योंकि अंदर ये मिड रेंजेस को शायद डैमेज कर सकता है। जो कंपनी के स्टॉक स्पीकर्स आते हैं उनको फिर भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना ये आफ्टर मार्केट स्पीकर्स को पड़ सकता है। तो आप देख सकते हैं कैसे जा चुका है, जो निशान यहाँ पे पहले थे ब्रिंक के, और यहाँ पे भी मैं हल्के हल्के से आराम आराम से कर ही लेता हूँ एक बार ही। यहाँ आप देख सकते हैं पहले से कितना ज़्यादा बेटर हो चुका है। ऐसी हमें डोर पैनल पर कोई भी गंदगी अगर दिखती है तो उसको भी हमें ऐसे साफ करना है। अब एक बार ही आ जाते हैं अपने इंटीरियर डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड में जो सबसे पहली जगह नोटिसेबल है वो ये जगह है, ये आप देख सकते हैं कि बाय द टाइम कितनी गंदी हो चुकी है। तो एक बार इसको भी करते हैं साफ। आई विश ये थोड़ा टेढ़ा होता तो ये अंदर तक भी बन जा सकता था, बट एज नहीं है तो इसको ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा थोड़ा स्क्रैच कर करके साइड्स के लिए। तो आप देख सकते हैं पहले से कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है इसमें, कितना ज़्यादा साफ लग रहा है एक्चुअली। अब हम इसको लेते हैं माइक्रोफाइबर टॉवल एंड देन इसको कर देते हैं वाइप ऑफ अगेन। तो कुछ ऐसा रहने वाला है इसका रिस्पॉन्स। ये भी अंदर तक अच्छे से जा नहीं पाया इसलिए थोड़ा इतना गंदा अंदर से अभी थोड़ा लग रहा है। इसको एक बार ये अच्छे से मैं करता हूँ फिर आपको रिस्पॉन्स दे देता हूँ। सो यहाँ आप फॉर द टाइम बिंग देख सकते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स है साइड्स का, एंड ये वाली साइड भी, एंड यहाँ भी ये कम्प्लीट हो चुका है अच्छे से। आप देख सकते हैं पहले से बेटर क्लीन लग रहा है। सो अब बात करें हमारे डैशबोर्ड के लिए, तो डैशबोर्ड पर जो मिट्टी होगी इसको आपको सिंपली एक क्या करना है, जो माइक्रोफाइबर टॉवल की जिस साइड आपकी साफ़ नहीं हुई है, मतलब जिस साइड को आपने यूज़ नहीं करा इसको सोखने के लिए इस जेल को या पानी को, सो इसको एक बार ही आपको एक ही डायरेक्शन में इसको वाइप ऑफ करना है। अब एक डायरेक्शन में वाइप ऑफ क्यों करना है, क्योंकि उससे आपके जो वो हैं डैशबोर्ड उसको स्क्रैच नहीं पड़ेगा अगर हम एक ही डायरेक्शन में इसको वाइप ऑफ करते हैं तो, क्योंकि मिट्टी एक जगह पे कलेक्ट होके स्क्रैच नहीं मारेगी डैशबोर्ड को जैसा आप देख सकते हैं। सो यहाँ भी मिट्टी है सो इसको भी हम वाइप ऑफ कर देंगे एक ही डायरेक्शन में ले जाते हुए। एंड जिस डायरेक्शन में हमारा ख़त्म हो रहा है उस डायरेक्शन से एक बार ही सब कुछ ऐसे करके साफ कर लेंगे। सो स्टेयरिंग के ऊपर भी सेम यही प्रोसेस रिपीट करना है, एक ही डायरेक्शन में हमें इसको लेके जाना है जिससे एक तो कलेक्ट ना हो एंड सही से हमारा साफ भी हो जाए। इस पोर्शन के साथ भी हमने ऐसे ही करना है, एक ही डायरेक्शन में लेके आना है इसको, एंड यहाँ भी सेम। सो बाकी आप देख सकते हैं गाड़ी कैसी साफ ही हो चुकी है बिल्कुल ही। यहाँ से भी आप डोर पैनल से अंदाज़ा लगा सकते हैं, एंड ऐसे सब कुछ। आप जो स्पीकर की ग्रिल है वो भी पहले से इवन बेटर क्लीन लग रही है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इसको भी जो हमारे डोर पैनल है इसका भी मैं आपको बता दूँ सूखने में अराउंड एक दिन लग जाता है अच्छे से, जो आप फाइनल आउटपुट आपको दिखने वाला है। थैंक यू। मुझे इस पूरे पैनल को एक और बार ही करना पड़ेगा, एंड ये करके ये पूरा का पूरा क्लीन हो जाएगा जैसे पीछे वाला हो चुका है पैनल। आप देख सकते हैं कि वो कितना साफ़ है जैसे,
एंड आगे वाले इस वाले को भी मैं सोच रहा हूँ एक बार फिर से कर दूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं आगे की तरफ वाले बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, इवन उस साइड का भी, बट पीछे का थोड़ा अच्छे से नहीं हो पाया क्योंकि मेनली सारी जो हम हैंड वगैरह होता है वो ऐसे हम रखते हैं। सो इस चक्कर में ये एक और बार ही करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद ये बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे।